गाइस एप्पल का स्केरी फास्ट इवेंट था और भैया इससे एक और स्केरी चीज थी कि इवेंट सुबह सुबह इंडिया टाइम 5:30 बजे था, तो मतलब न सो पाए न उठ पाए। बट देन अगेन हमने देखा कि क्या एप्पल ने नया नया अनवील किया है, नया M3 लाइनअप है चिप्स का, नए वाले मैकबुक्स हैं और iMac भी है। तो आज आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ इन्हीं नए अनाउंसमेंट्स के बारे में और डेफिनेटली लेट मी टेल यू इट इज स्केरी फास्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। देखो पूरे इवेंट में ना मतलब एकदम वो स्पूकी वाइब्स तो थी ही, और हमने देखा कैसे भैया एप्पल का कैंपस जो है वो बादलों के बीच में घिरा हुआ है, भैया एकदम अलग ही टाइप का पूरा नाइट का सीन लग रहा था। एंड देन सबसे पहले होती है बात, टिम कुक ने बोला इस बार, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू एप्पल पार्क। यस, नॉर्मली हम गुड मॉर्निंग सुनते हैं, बट या दिस टाइम इट वॉज गुड इवनिंग। और उसके बाद इट वॉज अबाउट द न्यू एप्पल M3 चिप्स। अब देखो M3 की कहानी क्या है कि एप्पल ने अभी जस्ट ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, 2 ही साल पुरानी बात है, समझ लो आप 2.5 साल पुरानी, दैट एप्पल स्टार्टेड विद द M1, फिर M1 के बाद हमने देखा M2 और अभी हम बात कर रहे हैं M3 की। तो ये थर्ड जनरेशन ऑफ एप्पल सिलिकन है और यहाँ पे हमारे पास में 3 अलग अलग मॉडल्स हैं, एप्पल M3, M3 प्रो और उसके बाद M3 मैक्स। तीनों जो चिप्स हैं वो बनी हैं अभी लेटेस्ट एप्पल की 3 नैनोमीटर वाली टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए। तो जो आपको एक अलग लेवल पे परफॉर्मेंस मिल रही है या एक अलग लेवल पे आपको यू नो एफिशिएंसी मिल रही है, वो डेफिनेटली यहाँ पे इन चिप्स का पूरा एक नया फ्लेवर है जो हमको मिलने वाला है। बिकॉज आई थिंक हमने स्टार्टिंग से देखा कि जब एप्पल ने इंटेल से मूव किया एप्पल सिलिकन में, तो काफ़ी एक मेजर लीप था इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी। अलग मतलब एक्सपीरियंस था ना यूजिंग एप्पल सिलिकन पावर्ड मैकबुक्स को या दूसरे मैक्स यूज करने का, और अभी ये और ज्यादा पॉलिश होता जा रहा है। अगर आपसे बात करता हूं यहां पे इन तीनों ही चिप्स की, तो अगेन एज आई टोल्ड यू कि यहां पे हमारे पास में जो प्रोसेस है वो है 3 नैनोमीटर्स की और कुछ नए ब्रांड न्यू फीचर्स हैं जहां पे कुछ एकदम नई टेक्नोलॉजीज हैं, फॉर एग्जाम्पल थिंग्स लाइक डायनेमिक कैशिंग, या अगर आपसे बात करता हूं तो मैश शेडिंग की। इनफैक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम अभी हमको एप्पल सिलिकन में हार्डवेयर एक्सेलरेटेड रे ट्रेसिंग देखने को मिल रही है, एंड एप्पल ने क्लियरली बोला है कि भाई गेम्स का आपको इसमें अच्छा मजा मिलने वाला है। जो आज तक एक चीज एक ऐसा एक्सपीरियंस जो हम मैक्स को समझते थे कि शायद वो उसके लिए बने नहीं है, लुक्स लाइक कि अभी हम नो उस रास्ते की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं और हमारे पास में गेमिंग का भी एक नया फ्लेवर आने वाला है। और यहाँ पे एक और मज़े की बात कि जो तीनों चिप्स हैं ये अलग अलग टाइप के यूजर्स के लिए जो है वो ऑफकोर्स सामने आती हैं। अगर एक थोड़ा आपको बेसिक सिंपल काम रखने हैं तो M3 इज़ गुड इनफ, अगर आपको इंटरमीडिएट लेवल पर जाना है तो M3 प्रो, एंड देन अगर आपको बहुत ही हैवी हाई एंड काम करने हैं, जहाँ पे एप्पल ने भी जो एग्जाम्पल दिया वो इसी चीज़ का दिया जो फिलहाल मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद करने वाला हूं, विच इज एडिटिंग, तो उसके लिए यू कैन गो M3 मैक्स। एंड अभी 128 GB की यूनिफाइड मेमोरी, इन सिंपल वर्ड्स रैम का आपको ऑप्शन मिल रहा है इसी M3 मैक्स के साथ में। तो ये थी एप्पल की 3 नई चिप्स, परफॉर्मेंस कोर्स एफिशिएंसी कोर्स दोनों में जो है वो पावर गेन्स हमको मिले हैं, या अगर हम बात करते हैं ओवरऑल यू नो कंपैरिजन वगैरह पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मतलब इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि पुराने वाले वर्जन से अभी ये सारी चिप्स और ज़्यादा पावरफुल हो गई हैं। बट देन नाउ वॉट अबाउट द डिवाइसेज। देखो डिवाइसेज की कहानी ये है कि एप्पल के 2 MacBook Pro आते हैं, आपको पता है, 1 इज 14 इंच, 1 इज 16 इंच। तो अभी हमारे पास में जो 14 इंच वाला MacBook है प्रो वाला, वो स्टार्ट होता है एप्पल की M3 चिप के साथ में। जी हाँ, इट्स द फर्स्ट टाइम कि एक प्रो लैपटॉप जो है वो हमने देखा 14 इंच वाला, जहाँ पे नॉर्मली हमको प्रो और मैक्स वाले ऑप्शंस मिलते थे, बट नाउ द स्टार्टिंग चिप इज M3 और यहाँ पे इसी वजह से इसकी प्राइस भी अभी कम हो गई, आपको बताऊँगा आगे प्राइस क्या है। उसके बाद अगर आप जाते हैं तो आपको प्रो और मैक्स के ऑप्शन मिलते हैं इन बोथ 16 एंड 14 इंचेस। तो बेसिकली 14 इंच का जो मैकबुक है उसमें आपको मिल रहे हैं 3 अलग अलग ऑप्शन, 1 इज द M3, देन द M3 प्रो, देन द M3 मैक्स, और जो 16 इंच वाला MacBook Pro है उसमें आपको केवल 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं, M3 Pro और M3 Max। और यहां पे एक नया, एकदम नया और काफी आई थिंक मच अवेटेड, या मतलब मैं तो खैर पर्सनली अगर कभी भी लॉन्च हो तो ये ले लेता, मतलब एक स्पेस ब्लैक कलर में हमको भी Mac मिल गया है। एंड यहां पे ये केवल प्रो और मैक्स चिप वाले वेरिएंट्स के लिए अवेलेबल है। अगर आप एक वो बेस वाला वेरिएंट लेंगे ना 14 इंच वाला M3 चिप के साथ में, तो आपको स्टैंडर्ड वही सिल्वर और स्पेस ग्रे का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन अगर आप जाते हैं
प्रो या मैक्स की पावर के साथ में, तो नाउ यू कैन चूज स्पेस ब्लैक या फिर सिल्वर, जो भी आपको चाहिए। बाकी सब चीजें एग्जैक्टली सेम है इन दोनों ही मैकबुक्स में, 14 और 16 इंचेस वाले वेरिएंट्स में, देयर इज नो डिफरेंस अंदर। लेकिन जो चिप है वो अभी आप समझ लो आपको नया जो है वो अपग्रेड मिल गया इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस गेन्स, एफिशिएंसी गेन्स, यू नो वो सब चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ में एक और प्रोडक्ट एप्पल ने अपडेट कर दिया है जो काफी टाइम से अपडेट नहीं किया था, वो है 24 इंच वाला आई मैक। ये जब लॉन्च हुआ था उस टाइम पे इसमें M1 चिप आई थी, जब बीच में देखा कि M2 आ गया तो इसको अपडेट एप्पल ने नहीं किया था, और अब फाइनली यहां पे इसमें हमको M3 चिप देखने को मिल गई है। एग्जैक्ट सेम डिजाइन है, एग्जैक्ट सेम इंटरनल्स, एग्जैक्ट सेम बाकी सब चीजें, लेकिन अंदर जो एक्स्ट्रा बूस्ट हमको मिल गया है पावर का, वो अभी एप्पल की M3 चिप के साथ में हो गया है। और ये अगेन उन्हीं सात ब्राइट कलर्स के साथ में एप्पल ने इस बार भी अवेलेबल हमको करवा दिया है। नाउ टॉकिंग ऑफ अवेलेबिलिटी, तो गाइस देखो सीन ऐसा है कि 7 नवंबर की डेट है जब हमारे पास में नए वाले लैपटॉप्स और iMac अवेलेबल हो रहे हैं, एक्सेप्ट अगर आपको M3 Max चिप वाले लैपटॉप्स चाहिए तो वो नवंबर में थोड़ा सा एंड में जाके लेट थोड़ा सा अवेलेबल होंगे, लेकिन बाकी जो वेरिएंट्स हैं वो सब अवेलेबल हैं। और यहां पे जो प्राइस है, अगर आपसे बात करता हूं iMac की, तो जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 1,34,900 रुपीज। यहां पे आपको मिलने वाला है अभी 8 कोर का CPU और 8 कोर का GPU, 8+256GB कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको अगर 10 कोर GPU वाला वेरिएंट चाहिए तो उसके लिए जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 1,54,900, और यू कैन चूज कि आपको जो भी अपना ऑप्शंस पसंद आता है। अब अगर हम बात करते हैं लैपटॉप्स की, तो यहां पे जो 14 इंच वाला वेरिएंट है विद द M3 चिप, जो एकदम एंट्री लेवल अभी ऑप्शन आपको मिल रहा है, उसकी प्राइस है 1,69,900 रुपीज। यहां पे आपको मिलने वाली है एप्पल की M3 चिप, साथ में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 8GB मेमोरी और 512GB स्टोरेज के साथ में, आपको 8 कोर CPU और 10 कोर GPU का कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। आप अगर ऊपर बढ़ते चलते हैं, अगर हमको बात करें 16 इंच वाले MacBook Pro की, तो यहां पे द स्टार्टिंग प्राइस इज एग्जैक्टली द सेम जो पुराने वाले आपको M2 सीरीज में मिल रही थी, विच इज 2,49,900 रुपए, 249,900 रुपीज। यहां से स्टार्ट होता है और यहां पे हमको M3 प्रो चिप मिल जाती है, विच इज 12 कोर CPU, 18 कोर GPU वाला वेरिएंट, और 18+512GB का हमको कॉन्फ़िगरेशन मिलता है रैम और स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप ऐड करना चाहें तो यस, 128GB तक की आप रैम ऐड कर सकते हैं और 8TB तक की आप स्टोरेज को ऐड कर सकते हैं। तो जो हाईएस्ट एंड वेरिएंट की प्राइस बन जाती है, हमने चेक किया, 7,19,900 रुपए। जी हाँ, बट अगेन नया पूरा जो है वो हमको एक फ्लेवर मिलने वाला है इन टर्म्स ऑफ क्रेजी फास्ट परफॉर्मेंस, जो भी सारे हमको अपडेट्स मिले हैं। 7 नवंबर से अवेलेबिलिटी है और मैक्स चिप और थोड़ा सा 2-3 हफ्ते रुक के आ जाएगी। आप बताओ गाइस कि आपको कैसा लगा। मेरे ख्याल से आई थिंक अच्छा है अगर आपने अभी तक एक नया मैक परचेज नहीं किया था, अगर आप M2 सीरीज वाला कुछ लेना चाह रहे थे, स्टिल मैकबुक एयर या यू नो आपको जो भी अभी ऑप्शंस मिल रहे हैं वो तो काफ़ी अच्छे हैं ही, बट ये जो है ये केवल प्रो यूजर्स के लिए है जो आपको नए वाले वेरिएंट्स मिले हैं, तो आप इनको चूज कर सकते हैं। एंड फॉर अ फैक्ट अभी एप्पल ने जो टच बार वाला 13 इंच वाला मैकबुक प्रो था उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है, ऑफिशियली भी एप्पल उसको सेल नहीं कर रहा है। तो आपके पास में ऑप्शन जो है एप्पल की तरफ से, अगर हम बात करें मैक लाइनअप की, मैकबुक एयर है, दो अलग अलग साइज में आता है, और उसके बाद में है आपके पास मैकबुक प्रो 14 एंड मैकबुक प्रो 16 इन टर्म्स ऑफ लैपटॉप ऑफरिंग्स। अदरवाइज मैक मिनी, मैक स्टूडियो, आपका जो मैक प्रो है या आई मैक वो तो है ही। तो ये है सारी कहानी एप्पल के स्केरी फास्ट इवेंट की। आपको कैसा लगा वीडियो, और आप अपने लैपटॉप से क्या करना पसंद करते हो वैसे नॉर्मली, गेमिंग या पढ़ाई लिखाई, नीचे कमेंट करते हो जरूर बताना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।